डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़े थे संसद की शक्तियाँ, ठीक है। और उसमें से हमने संसद की जो है तीन शक्तियाँ पढ़ ली थी, संसद की शक्तियाँ। तो उसमें हमने पहली शक्ति पढ़ ली थी विधायी शक्ति कह दो, या कानून निर्माण संबंधी शक्ति कह दो, उसमें हमने पढ़ा था, ठीक है। और दूसरा हमने वित्त संबंधी शक्ति पढ़ी थी, पहली विधायी शक्ति कह दो या कानून निर्माण शक्ति कह दो, कानून निर्माण यानी विधि विधायी शक्ति कह दो संबंधी शक्ति। इसमें हमने पढ़ा था कि साधारण विधेयक में किस तरह जो है कानून का निर्माण होता है। फिर दूसरी हमने वित्तीय शक्ति पढ़ी थी, वित्तीय शक्ति कह दिए पढ़ी थी। तो उसमें हमने पढ़ा था कि किस प्रकार वित्त विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से पेश होता है और किस तरह वित्त विधेयक के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियों में क्या अंतर है। फिर हमने पढ़ी थी तीसरे प्रकार की संविधान संशोधन संबंधी शक्ति, संविधान संशोधन संबंधी शक्ति। तो इसमें हमने चर्चा की थी किस प्रकार संविधान के संशोधन के मामले में लोकसभा और राज्यसभा की जो शक्तियां हैं वो समान होती है। तो हमने बात की थी भारत के संविधान में संशोधन का जो वर्णन है उसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद 368 के तहत। संविधान में संशोधन कौन से अनुच्छेद के तहत उसका वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 368 के तहत, ठीक है। तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद जो है 368 के तहत संविधान में जो संशोधन है उसमें तीन तरीके अपनाए गए हैं, ठीक है। एक साधारण बहुमत, साधारण बहुमत से जो है संविधान में संशोधन किया जा सकता है। दूसरा जो तरीका है वो है विशेष बहुमत, विशेष बहुमत। और तीसरा जो तरीका है वो है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति। देखिए संविधान की जो जितने भी अनुच्छेद हैं, जितने भी 395 अनुच्छेद जो है मूल संविधान में, उनमें अलग अलग अनुच्छेदों में अलग अलग तरीके से परिवर्तन हो सकता है। एक पहला जो तरीका है वो साधारण बहुमत से संशोधन, इसमें दोनों सदनों के, याद रखना दोनों सदनों के बहुमत से परिवर्तन हो सकता है अलग अलग, यानी लोकसभा में आधे से अधिक सदस्य कह दें और राज्यसभा में आधे से अधिक सदस्य कह दें, वो भी अलग अलग। याद रखना संविधान संशोधन के संबंध में संयुक्त अधिवेशन का कोई प्रावधान नहीं है, संयुक्त अधिवेशन नहीं हो सकता, दोनों की जो लोकसभा राज्यसभा की ज्वाइंट मीटिंग नहीं हो सकती। संविधान में संशोधन तब हो सकता है जब दोनों सदन अलग अलग आधे से अधिक सदस्य दोनों के, यानी पहले लोकसभा में जाएगा तो लोकसभा में आधे से अधिक जो है 51% सदस्य कह दें और राज्यसभा में भी 51% से अधिक सदस्य कह दें तो उस धारा में संशोधन हो सकता है, उस अनुच्छेद में संशोधन हो सकता है। जैसे नए राज्य का गठन करना, दो या और से अधिक राज्यों को मिलाना, राज्य का नाम परिवर्तन करना, ठीक है। जैसे 2014 में जो है तेलंगाना नया राज्य बना था तो संविधान में साधारण संशोधन से हो गया था, विशेष बहुमत की जरूरत नहीं। अभी जो है जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 हटाया गया था तो उसी में थे, ये तरीका था। तो साधारण बहुमत से संशोधन का मतलब हो गया दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा अलग अलग अगर अपने बहुमत से उसको पारित कर दें और राष्ट्रपति उसको अनुमान जो है हस्ताक्षर कर दे तो वो जो है पारित हो जाता है। तो ये कहलाएगा साधारण बहुमत से संशोधन, ठीक है। फिर आता है विशेष बहुमत, विशेष बहुमत का मतलब ये हो गया कि दोनों सदनों के दो तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है। विशेष बहुमत का मतलब दोनों सदनों के दो तिहाई, 2/3 मेजोरिटी। दो तिहाई बहुमत का मतलब क्या हो गया, लगभग लोकसभा के 66% और राज्यसभा के 66% दोनों अलग अलग अगर कह दें या पारित हो जाए वो बिल
संविधान में संशोधन करना है और लोकसभा और राज्यसभा दोनों अलग अलग बहुमत से उसको पारित कर दे और राष्ट्रपति उसको हस्ताक्षरित कर दे तो संविधान में संशोधन हो सकता है। ठीक है, तो संविधान के कुछ अनुच्छेद इतने कठोर बनाए गए हैं कि उसमें दोनों सदनों के बहुमत, विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। साधारण बहुमत में तो आधे से ज़्यादा ही कहते 51% होता है, जबकि विशेष बहुमत में 2/3 बहुमत से दोनों सदनों में पारित होना आवश्यक है। अर्थात लोकसभा के 545 से समझ लो विशेष बहुमत लगभग 400 से ज़्यादा, और राज्यसभा में 250 का मतलब हो गया कि लगभग 200 से ज़्यादा, 180 से ज़्यादा। तो दोनों सदनों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है तब संविधान में संशोधन हो सकता है। यहाँ पर संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। तीसरा जो तरीका है संविधान में संशोधन का वो है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति। इसमें दोनों सदनों के 2/3 बहुमत तो चाहिए, साथ में आधे राज्यों का मतलब 28 राज्य हैं उसमें से 14 राज्य अगर कह दें तो, अगर दोनों सदनों के विशेष बहुमत तो चाहिए, 66% तो चाहिए अलग अलग, साथ में आधे राज्य यानी 14 राज्य अगर कहें, आधे राज्य के पारित करें तो जो है संविधान उस धारा में या उस अनुच्छेद में संशोधन हो सकता है। जैसे भारत की पद निरपेक्षता में परिवर्तन या और ऐसे कई कठोर ऐसे हैं अनुच्छेद जिसमें बदलाव के लिए विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के सहमति की आवश्यकता होती है। ठीक है, अर्थात दोनों सदनों के विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों की सहमति भी आवश्यक होती है। तो आधे राज्यों में अनुमति कौन देगा? आधे राज्यों के विधानमंडल, जो भी वो विधानसभा वहाँ की जो चलती है वो उसमें सहमत हो, आधे राज्य 14 राज्यों की विधानसभा अगर सहमत दें तब जाकर के संविधान में संशोधन हो सकता है। अब संविधान में संशोधन के मामले में क्या है, दोनों की शक्तियाँ क्या है, समान है। अर्थात लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियाँ समान, समान कैसे? एक तो संविधान में संशोधन संबंधी जो प्रावधान है या जो प्रस्ताव है वो कोई भी ला सकता है, जरूरी नहीं लोकसभा लाए, राज्यसभा भी ला सकती है। यानी दोनों सदनों में संविधान में अगर किसी धारा में संशोधन करना है तो संविधान में संशोधन का जो प्रस्ताव है वो लोकसभा में भी लाया जा सकता है और राज्यसभा में भी लाया जा सकता है, तो समान शक्ति होगी। दूसरी बात, संविधान में संशोधन करने के लिए दोनों सदनों का अलग अलग बहुमत आवश्यक होता है। अगर लोकसभा उसे पारित कर दे और राज्यसभा में जाए, राज्यसभा मना कर दे तो संविधान में संशोधन नहीं होगा, या राज्यसभा पारित कर दे और लोकसभा में भेजे, लोकसभा उसे कह मना कर दे तो भी पारित नहीं होगा। इसका मतलब संविधान संशोधन के मामले में लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियाँ क्या है, बराबर है। ठीक है, अगर लोकसभा और राज्यसभा पारित कर दे और राष्ट्रपति मना कर दे तो भी संविधान में संशोधन नहीं होगा। ठीक है, तो अर्थात दोनों सदनों में, अच्छा दूसरी बात, विशेष संयुक्त अधिवेशन का भी प्रावधान नहीं, दोनों की जॉइंट बैठक भी नहीं हो सकती, क्योंकि जॉइंट बैठक जब होती है तो लोकसभा की सदस्य संख्या राज्यसभा से ज़्यादा होती है, इसलिए वो जैसा लोकसभा चाहेगी वैसा होगा। तो यहाँ जॉइंट जो है मीटिंग का भी प्रावधान नहीं है, संयुक्त अधिवेशन का भी प्रावधान नहीं, इसलिए हम कह सकते हैं कि संविधान संशोधन के मामले में जो है वो लोकसभा और राज्यसभा की समान शक्तियाँ होती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार विधेयक जो होते हैं, विधेयक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन से? एक साधारण विधेयक, तो उसमें संबंध में हमने पढ़ ली शक्ति कि साधारण विधेयक के मामले में, और वित्त विधेयक और तीसरा जो हो गया संविधान संशोधन संबंधी विधेयक, ये संविधान संशोधन संबंधी विधेयक। संविधान में संशोधन करना है तो उसका भी बिल लाया जाता है, तो विधेयक ये तीनों टाइप है विधेयक, विधेयक 3 प्रकार का हो सकता है। ठीक है, ये भी तीसरा टाइप है, वैसे तो हमने 2 ही पढ़े हैं, साधारण विधेयक और वित्त विधेयक, लेकिन ये भी एक बिल है, ये भी विधेयक ही है, तो संविधान संशोधन संबंधी विधेयक, यानी साधारण विधेयक, धन संबंधी विधेयक और संविधान संशोधन संबंधी विधेयक। अब वित्त विधेयक या धन विधेयक के मामले में कौन शक्तिशाली होता है? लोकसभा शक्तिशाली होती है। ठीक है, तो इस प्रकार संसद की जो कानून शक्तियाँ जो है
कानूनी शक्ति और वित्त विधेयक संबंधी शक्ति होती है। ठीक है, अब इसके संबंध में चर्चा करेंगे अपन। चौथी जो शक्ति है कार्यपालिका संबंधी शक्ति, ये आपके कोर्स में नहीं है फिर भी मैं लिखा देता हूँ। कार्यपालिका संबंधी शक्ति क्या है, यानी सरकार पर नियंत्रण रखने की शक्ति क्या है। ठीक है, तो संसद जो है वो सरकार के कार्यों पर नियंत्रण रखती है। संसद किस पर सरकार पर नियंत्रण रखती है, कैसे? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद अपने कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? संसद के प्रति। ठीक है, संसद चार तरीके से कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। एक तो प्रश्न पूछ करके, सरकार से किसी भी तरह का, यानी प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद से किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछ सकती है। निंदा प्रस्ताव, सरकार की निंदा कर सकती है, प्रश्न पूछ सकती है, पूरक प्रश्न पूछ सकती है। ठीक है, निंदा प्रस्ताव यानी निंदा कर सकती है। और अंतिम रूप से जो चौथा प्रस्ताव है वो अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव। इसका मतलब अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, बाकी राज्यसभा में तीनों सदस्य जो है किसी भी मंत्री से कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इन माध्यमों से जो है वो क्या करती है, सरकार पर नियंत्रण रखती है। ठीक है, सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है और जनता चुन करके भेजती है संसद के सदस्यों को। ठीक है, तो नित प्रतिदिन सरकार पर नियंत्रण रखने का काम संसद करती है, यानी विशेष तौर से लोकसभा। लोकसभा और राज्यसभा तीन तरीके से सरकार पर नियंत्रण रखती है, यानी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखती है। ठीक है, भारतीय संसद विभिन्न तरीकों से कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। कैसे? जैसे प्रश्न पूछ करके, जैसे एक प्रश्नकाल कहते हैं। प्रश्नकाल का मतलब प्रधानमंत्री के और जितने मंत्रिपरिषद के मंत्री हैं वो सब लोकसभा के सदस्य होते हैं या राज्यसभा के सदस्य, तो उसमें मंत्रियों को जवाब देना पड़ता है। संसद का कोई भी सदस्य उनसे प्रश्न पूछ सकता है कि भाई ये काम क्यों नहीं हुआ, ये ऐसा कैसा हो रहा है, कोविड पर नियंत्रण क्यों नहीं हुआ, कोई भी कार्य जो है उस पर किसी भी मंत्री से, उस विभाग के मंत्री से, चिकित्सा विभाग है, रेलवे विभाग है, वित्त विभाग है या विदेश विभाग है, किसी भी विभाग के मंत्री से कोई भी प्रश्न पूछ सकती है। ठीक है, फिर शून्यकाल में भी कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है, पूरक प्रश्न पूछ सकती है। इसके अलावा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव मतलब ध्यान आकर्षित कर सकती है सरकार का। काम रोको प्रस्ताव, सरकार के किसी काम को रुक सकती है, ऐसा प्रस्ताव ला सकती है कि जो सरकार वर्तमान में काम कर रही है उस काम को रुकवा दिया जाए, तो काम रोको प्रस्ताव आदि के माध्यम से कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। और कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने की सबसे बड़ी शक्ति किसके पास है? लोकसभा के पास। लोकसभा सरकार को 5 साल से पहले गिरा सकती है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को 5 साल से पहले। कैसे? अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से। अविश्वास प्रस्ताव का मतलब हमें सरकार पर विश्वास नहीं रहा। ठीक है, तो इस शक्ति में क्या है, लोकसभा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध, किसके विरुद्ध ला सकती है? मंत्रिपरिषद के विरुद्ध या किसी एक मंत्री के विरुद्ध अगर लाए तो भी, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ला करके और 5 साल से पहले ही सरकार को गिरा सकती है। याद रखना कि संसद में अविश्वास प्रस्ताव केवल कहाँ लाया जा सकता है? लोकसभा में ही लाया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। राज्यसभा अन्य तरीकों से रख सकती है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, प्रश्न पूछकर, पूरक प्रश्न, निंदा करके, इन तरीकों से नियंत्रण रख सकती है राज्यसभा। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव तो केवल कहाँ लाया जा सकता है? लोकसभा में ही लाया जा सकता है। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जा सकते हैं। अविश्वास प्रस्ताव सामान्यतः विपक्ष लाता है,
क्योंकि पक्ष नहीं चाहेगा भाई, बीजेपी गवर्नमेंट है तो बीजेपी के मंत्री थोड़ी चाहेंगे या बीजेपी के जो सदस्य थोड़ी चाहेंगे। तो अविश्वास प्रस्ताव कौन लाता है? विपक्ष, जिसमें मंत्रिपरिषद, अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो पूरी मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री समेत पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। ध्यान रखना कि अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। और अगर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए, अविश्वास प्रस्ताव का मतलब कि हमें सरकार पर विश्वास नहीं, और अविश्वास प्रस्ताव बहुमत से पारित होता है, आधे से ज़्यादा सदस्य कह दें, सरकार में जो है जितने भी लोकसभा में आधे से अधिक सदस्य कह दें और अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन कर दें और प्रस्ताव ले आए, तो उसमें अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर प्रधानमंत्री समेत पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है, यानी सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। अविश्वास प्रस्ताव एक मंत्री के खिलाफ भी लाया जा सकता है और पूरी मंत्रिपरिषद के खिलाफ भी लाया जा सकता है, ठीक है। तो अविश्वास प्रस्ताव का मतलब हो गया कि हमें सरकार पर विश्वास नहीं है, और अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। तो इस तरह हमने आज की जो क्लास में हमने चर्चा की थी संसद की जो है शक्तियाँ क्या है, ठीक है। तो आपके कोर्स में वैसे और भी डिटेल से है, लेकिन आपके कोर्स में चार तरह की शक्तियाँ हैं। एक कानून निर्माण संबंधी शक्ति, जिसको हमने पढ़ लिया था कि साधारण विधेयक के संबंध में किस प्रकार कानून बनाती है संसद। वित्त विधेयक संबंधी शक्ति, किस प्रकार वित्त विधेयक के मामले में, धन के मामले में सरकार, संसद किस प्रकार नियंत्रण रखती है प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद। संविधान संशोधन संबंधी विधेयक, ठीक है, और आगे अगर हम इसमें एक चुनाव और चुनाव संबंधी शक्ति भी कह सकते हैं अपन। चुनाव वैसे आपके कोर्स में इसमें नहीं दे रखा है, फिर भी मैं बता दूं, चुनाव संबंधी शक्ति भी है संसद की। चुनाव करती है किसका, आगे जब पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है संसद, ठीक है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सब के चुनाव में भाग लेती है। राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदस्य मिलकर करते हैं, लोकसभा और राज्यसभा करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हटाने संबंधी शक्ति भी है, ठीक है। तो न्यायपालिका संबंधी भी शक्ति है, तो वो आगे के कोर्स में आपके आगे की कक्षाओं में है, ठीक है। तो न्यायपालिका संबंधी शक्ति क्या है, तो न्यायपालिका पर नियंत्रण रख सकती है, यानी न्यायाधीशों पर नियंत्रण रख सकती है। न्यायपालिका यानी जो भारत का मुख्य न्यायाधीश है, CJI और अन्य न्यायाधीश, उनको हटाने का जो है उस पर आपका लाया जाता है कौन सा, महाभियोग। महाभियोग लाया जा सकता है किस पर, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों पर, और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लाई, और महाभियोग के माध्यम से राष्ट्रपति को हटाया जाता है और न्यायाधीशों को हटाया जाता है। तो हटाने का जो शक्ति है वो भी संसद को प्राप्त है। चुनाव के संबंध में शक्ति है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव भी संसद करती है, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर के। और हटाने की शक्ति भी है, न्यायाधीशों को हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव, महाभियोग पारित होता है संसद में। इसके अलावा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है तब भी वही संसद में पारित होता है। तो ये जो है वो संसद की शक्तियाँ हैं। तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने जो है कि हमारा चैप्टर पूरा हो गया। इसमें हमने संसद का गठन पढ़ा था, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में चर्चा की थी, लोकसभा किस प्रकार जो कार्य करती है, राज्यसभा किस प्रकार कार्य करती है, ठीक है, और दोनों की शक्तियों में अंतर क्या है, लोकसभा का गठन किस प्रकार होता है, राज्यसभा का गठन किस प्रकार होता है, तो इन सब के बारे में हमने चर्चा कर ली थी कि संसद की मुख्य रूप से शक्तियाँ क्या है। तो आज की क्लास में हम जो है इसके बारे में हमने जो है चर्चा कर ली थी। अब हम कुछ मैं आपको प्रश्न जो है बताता हूँ, उन प्रश्नों को आपको हल करना है, ठीक है। पहला प्रश्न, संसद में किस किस को सम्मिलित किया जाता है या किन किन अंगों को सम्मिलित किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है,
नंबर दो, लोकसभा व राज्यसभा के गठन में प्रमुख अंतर क्या है? प्रमुख अंतर क्या है, यानी लोकसभा और राज्यसभा के गठन में क्या अंतर है? तो उसमें आपको जो मैंने डायग्राम बता के बताया था ना, बिल्कुल ये डायग्राम क्या ही है, तुलनात्मक रूप से कि गठन में अंतर 5 साल का, इसका कार्यकाल 6 साल होता है, इनकी आयु 25 वर्ष होती है लोकसभा के सदस्य की, उसकी 30 वर्ष होती है। तो ये जो अंतर जो है आपको लोकसभा और राज्यसभा के गठन में अंतर लिखना है, ठीक है। तीसरी बात, लोकसभा व राज्यसभा की शक्तियों में अंतर लिखना है। शक्तियों में कोई दो अंतर तो क्या शक्तियां हैं, अंतर है ना, लोग साधारण विधेयक के संबंध में लोकसभा राज्यसभा की शक्तियों में अंतर क्या है, वित्त विधेयक के संबंध में लोकसभा राज्यसभा की शक्तियों में अंतर क्या है, ठीक है। तो दो, कोई भी दो अंतर लिख सकते हैं आप, जैसे साधारण विधेयक के संबंध में दोनों सदन, एक सदन पारित हो जाए तो दूसरा सदन रोक सकता है, ठीक है, और इसके बारे में हमने चर्चा की थी। तो दो अंतर लिखने हैं आपको। चौथा, संसद की कोई चार शक्तियाँ, संसद की शक्तियाँ, ठीक है भाई। तो संसद का टॉपिक जो है आपके कितना समझ में आया है उसको अपन पूरा डिटेल से आप घर पे उसको पढ़ के बताना, और साथ में ये चार प्रश्न करना कि संसद में किस किस को सम्मिलित किया जाता है, लोकसभा और राज्यसभा में गठन में प्रमुख अंतर क्या है, इनकी शक्तियों में प्रमुख अंतर क्या है, और संसद की जो है शक्तियाँ कौन कौन सी है, इसके बारे में हमने चर्चा जो है अपने इसको पूरे चैप्टर को पढ़ोगे तो आपको इसका समझ में आ जाएंगे। एक और प्रश्न है इसमें, जैसे लोकसभा अध्यक्ष के कार्य, लोकसभा अध्यक्ष के कोई चार कार्य लिखिए, ये तो ये 5 प्रश्न आपको करके लें, मेरे को आंसर देना है इसके, और फिर उसके बाद हम इसमें आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आज की क्लास में आपका चैप्टर पूरा हो गया, आज की क्लास